एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शाइनी रूप्स। मेरा नाम है रूपा और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे देन हाय, माय नेम इज़ रूपा। मैं अपने चैनल पे स्किन केयर, हेयर केयर, ट्रैवल ब्लॉग्स, DIYs और मेकअप वीडियोस पोस्ट करती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है देन डू सब्सक्राइब। गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान और कूल सा DIY जो आप घर पर ट्राई कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कि कैसे आप अपने भैया या फिर पापा के बड़े बहुत ही लूज़ कुर्ते को अपना कुर्ता बना सकते हो। बेसिकली मेरे पापा का एक कुर्ता घर में ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मुझे लगा क्यों ना इसको थोड़ा सा रीशेप किया जाए और इसको मैं अपने लिए इस्तेमाल करूं। डेली वेयर में भी ये काम आएगा एंड इसको मैं पहन के बाहर भी जा सकती हूँ, बिकॉज़ कुर्ते का जो फैब्रिक है वो काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे ही पड़ा था, मुझे लगा इसको रीयूज़ क्यों ना किया जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाना है। गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एकदम कंप्लीट वाइट कुर्ता है और इस कुर्ते में थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी वाला काम किया हुआ है गले पे एंड हाथ के ऊपर। लड़कों के जो कुर्ते होते हैं उसके दो साइड पे मेनली पॉकेट रहता है, तो इस कुर्ते में भी है। और ये एक शॉर्ट कुर्ता है जो मेरे नी के थोड़ा सा ऊपर तक आएगा। और सबसे पहले मैंने इस कुर्ते से जो साइड के जो पॉकेट्स हैं उनको निकाल दिया है, और उनको निकालने के बाद बारी आती है हाथ को थोड़ा सा काटने का, क्योंकि स्लीव्स मेरे पापा के काफ़ी लंबे लंबे हैं स्लीव्स थे, और ये जो स्लीव्स है मेरे हाथ के एकदम सामने की तरफ आ रहे हैं, तो स्लीव्स को मैंने काट लिया। काटने के लिए मैंने इस कपड़े को फोल्ड कर लिया, ऐसे करके फोल्ड करके ऐसे करके काट दिया, तो स्लीव्स मैंने इक्वली ऐसे करके काटे हैं। एंड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन स्टिचिंग, तो स्टिचिंग के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मैंने इसको ट्राई किया है और फाइनल रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। तो आगे आप इसको देखते रहिए। एंड उसके बाद इस जो कुर्ता है इसको फोल्ड कर देना है, एकदम बीच में से फोल्ड करना है। बीच में से फोल्ड करने के बाद जो रेगुलर कुर्ता आप पहनते हो, मतलब जो आपको एकदम अच्छे से फिट होता है, वो वाला कुर्ता लेना है और उसको भी बीच में से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके इस कुर्ते के ऊपर रख देना है, एकदम इक्वल मेज़रमेंट इक्वल होना चाहिए, मतलब एकदम ऊपर से रखना है इसको। रखने के बाद जब आप रखेंगे इसको तो देखेंगे साइड से कितना कपड़ा एक्स्ट्रा हुआ है, मतलब कितना लूज़ है आपको ये कुर्ता। तो उसके बाद जितना पोर्शन लूज़ है उनको हमें काट के निकाल देना है, और इसके लिए मैंने यहाँ पे एक चॉक लिया है, तो चॉक से मैंने ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि मैं स्टिचिंग पे एक्सपर्ट नहीं हूँ और कटिंग पे भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसीलिए चॉक से मैंने ड्रॉ कर लिया है कितना एक्स्ट्रा पोर्शन मुझे काट के निकालना है। और इसके बाद कैंची की मदद से एक्स्ट्रा जो कपड़ा है जो क्लोथ का, उसको काट के निकाल देना है। इसके बाद हमें जो कुर्ता है इसको स्टिच कर देना है, हाथ को साइड्स में छोटे छोटे करके हेम कर लीजिए, या फिर आपके पास मशीन है तो मशीन में भी आप इसको स्टिच कर सकते हो। और इसके बाद हमारा जो कुर्ता है ये रेडी हो गया है। अभी इसको एक बार पहन के देखना है कि साइड में कितना लूज़ है। तो जब मैंने इस कुर्ते को पहना, मैंने देखा कि दोनों साइड पे अगर मैं 2 इंच करके स्टिच करती हूँ एक्स्ट्रा, मतलब लेफ्ट साइड पे 2 इंच एंड राइट साइड पे 2 इंच करके मैं स्टिच करती हूँ, तो ये मुझे एकदम फिट हो जाएगा। तो इसके बाद मैंने इसको दो साइड पे टू इंच करके स्टिच कर दिया, एंड इसके बाद हमारा कुर्ता रेडी हो गया। तो गाइज, अभी बारी आती है इस कुर्ते को पहन के आप लोगों को दिखाने का कि फाइनल प्रोडक्ट कैसा आया है। सो ये था मेरा आज का वीडियो गाइज, होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। तो अगर आपके घर में भी आपके भैया या फिर आपके पापा, इवन आपके हस्बैंड के कुछ इस तरीके के कुर्ता है जो आपको बहुत पसंद है लेकिन वो पहनते नहीं है, इसको आप रीशेप कीजिए, अपने शेप में इसको ढाल लीजिए और आप इसको बड़ी आसानी से स्टाइल करके पहन सकते हो। तो आपने देखा कैसे मैंने इसको एक प्लाजो के साथ पहना, उसके बाद मैंने अपने जीन्स के साथ इसको पहना, एंड ये रेगुलर डे के लिए इस टाइप के कुर्ते बहुत ही अच्छे लगते हैं। वाइट लुक्स रियली नाइस विद ब्लू डेनिम, सो बहुत अच्छा लगता है। होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो गाइज, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर दिस वीडियो एज वेल। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।